खबर रीवा जिले से है, जहां ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन में प्रभावित किसानों के द्वारा गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन के पास आंदोलन किया जा रहा है। एक दिन पहले किसानों के द्वारा रेलवे इंजन को रोककर विरोध प्रदर्शन किया गया था। किसानों के द्वारा जमीन लेने के बाद नौकरी देने का वादा कर मुकरने के आरोप लगाते हुए कहा है कि हर हाल में उन्हें नौकरी चाहिए। आपको बता दें कि रेलवे के द्वारा कुछ लोगों को नौकरी दी गई, जबकि अभी भी लगभग 2000 बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल पाई है, जिसके चलते गोविंदगढ़ रीवा के बीच काम रोक दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं किसानों का विरोध और सुनाते हैं स्थानीय लोगों ने किए जा रहे शांतिपूर्ण आंदोलन को लेकर क्या कहा और उनकी क्या मांगे हैं। सब किसान जमीन को बोए जोतेंगे, सब खराब क्या करे, बताइए। बिल्कुल नहीं, नौकरी मिलनी चाहिए किसान के लड़के को। मैं रामायण प्रसाद शर्मा बोल रहा हूँ, नौकरी जब तक नहीं मिलेगी किसान के लड़कों को, जब तक रेल नहीं चलेगी, हम ये बात सकना सीधी सिंगरौली जबलपुर के लड़के सब है किसान, 1000 किसान है। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। रेलवे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। मेरी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। मेरी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। आप लोग रेलवे स्टेशन के बाहर बैठे हैं, किस कारण बैठे हैं? भाई हम लोग अनशन में बैठे हैं, रेलवे प्रशासन हम लोगों के साथ वादा खिलाफी किया। आज 3 दिन हम लोगों को बैठे हो गया, रेल प्रशासन हो या और कोई माने सक्षम अधिकारी हो, किसी के तरफ से कोई माने का वो नहीं हुआ। चाहे कलेक्टर हो, चाहे SDM हो, चाहे रेलवे के अधिकारी हों, चाहे तहसीलदार हों, हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुआ। और हम लोगों का जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक हम लोग इसी तरह निरंतर अपने धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। अगर और काम नहीं चलने देंगे, अगर जो जबरदस्ती अगर जो रेल अगर जो रेल के प्रशासनिक लोग अगर जो सोचेंगे कि हम जबरदस्ती कार्य करवाएं तो हम लोगों को उग्र आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। पर अपने जीते जी हम लोग जब तक हम लोगों का निराकरण नहीं होगा जब तक हम लोग रेल नहीं चलने देंगे, चाहे हम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े चाहे जो कुछ भी हो जाए। आज आप लोग 3 दिवस से अनशन में बैठे हैं, सैकड़ों की तादाद में आपके अनशन स्थल में किसान एकत्रित हैं, ये क्या आपके मड़वा और बांसा के ही किसान एकत्रित हैं क्या? नहीं, रीवा से सिंगरौली ललितपुर लाइन के किसान जितने प्रभावित हैं वो सब लोग इन्वाइट हैं, यहाँ पर पदाधार हुए हैं। अब वो उनकी मांग है कि हम लोगों की जब तक नौकरी नहीं लग जाएगी तब तक हम अनशन उग्र तक रहेंगे। अगर शासन की मंशा ये हुई कि अपनी जान उग्रवाद के रूप में भी अनशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, पूरी जनमानस किसान भाइयों कह रहे हैं। और बोर्ड द्वारा पहले ये निर्धारित किया गया था जमीन के बदले नौकरी दी जाएगी, लेकिन कुछ लोगों के दी अनशन के बाद गोयल साहब जब थे रेल मंत्री तब उन्होंने कुछ लोगों को दिया। जब से श्री वैष्णव साहब आए रेल मंत्री तब से एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। हमारे क्षेत्रीय सांसद सतना रीवा सीधी संगरौली के ने भी अपना विचार रखा हुआ सांसद पर, और राज्यसभा में राज पटेल ने भी रखा है, उसमें भी अभी रेल मंत्रालय द्वारा कोई किसानों को किसी प्रकार की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। इसलिए शासन की मनसा के अनुसार भी हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं। आप लोग पूर्व भी जानकारी मिली कि अनशन कर चुके हैं,
हम लोग किए और रेल मंत्रालय के कर्मचारी आके हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम 15 दिन के भीतर सबको कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन 8 महीने बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण से हम लोग हड़ताल जुलूस कर रहे हैं। अगर हम लोगों की मांग पहले ही पूरी कर देती तो हम लोग आसान हड़ताल में क्यों बैठते। अब इस बार आर पार की लड़ाई, इस बार आर पार की लड़ाई है, जैसी मंशा होगी शासन वैसा करेंगे हम सब लोग। आज आप लोग रेलवे स्टेशन के बाहर अनशन में बैठे हैं, किस उद्देश्य से लेके बैठे, उद्देश्य को लेके बैठे हैं? नौकरी, लड़कों को आधे लोगों को नौकरी मिल गई है, आधे को नहीं मिली है, आधे से ज्यादा लोग पड़े हुए हैं, इसलिए यह अनशन 3 दिन से चालू है, आज 3रा दिन है। प्रशासनिक अमला कोई आपके बात सुनने के लिए कोई आया क्या? कभी नहीं, कोई नहीं आया। मतलब ये सुन जानते हैं कि ये लोग नपुंसक है, इसलिए नहीं आया। अब पत्थरबाजी नहीं किया, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, काम रोको आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासनिक अमला आपके पास आपकी सुनवाई करने के लिए नहीं आता है? नहीं आता। तो ये अनशन को और ये जो का रेलवे का आपने निर्माणाधीन कार्य को रोक दिया है, हाँ। उसको किस तरीके से आप किस हद तक लेके जा सकते हैं? ये अभी कोई वो नहीं है, ये कार्य चलता रहेगा।